हेलो दोस्तों, तो हम आगे एक नए ब्लॉग के साथ सिसु में, और आपका स्वागत है इन पहाड़ों में, जो कि है वाटरफॉल अभी शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, धूप के नीचे थोड़ा सा वो हो गया, ब्लर हो रहा है क्योंकि सूरज अभी उस साइड है, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पहाड़ों पे बर्फ़ है। आमतौर पर यहाँ पे वैसे अक्टूबर में बर्फ़ पड़ जाती है, पर यहाँ पे इस बार ही जो है थोड़ा बर्फ़ का आलम नहीं हुआ, और यहाँ पे पहाड़ बिल्कुल सूखे ही लग रहे हैं। बिल्कुल अभी बिल्कुल यहाँ बीच में ग्राउंड में खड़ा हूँ मैं, तो ये सिसु विलेज दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। इस तरफ को लेह लद्दाख और केलोंग के लिए रास्ता जाता है। इन पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी स्नो दिखाई देगी, अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पीछे बोटिंग कर सकते हैं। अभी ये पहुँच गए हम सिसु लेक के पास, और ये देखिए क्या बेहतरीन लेक दिखाई दे रही है, और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है बड़ी मस्त वाली। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो बोटिंग चल रही है यहाँ पे, अच्छी बोटिंग हो रही है आजकल लेक में, और जो है वाटरफॉल भी जा सकते हैं। वाटरफॉल इसमें अभी कैप्चर नहीं हो पा रहा कैमरे में उतने अच्छे से, वहाँ पे वाटरफॉल है तो आँखों से दिख रहा है पर नहीं हो पा रहा यहाँ पे। तो अभी मौसम तो ठीक है, अभी देखिए आज तो बिल्कुल नीला आसमान है, और बिल्कुल ही नीला आसमान है, कहीं एक बादल तक भी नहीं है, और जो है चहल पहल ठीक है। यहाँ पे आइए, मैगी मुगी खाइए, और जो है बोटिंग वगैरह कीजिए, वाटरफॉल के लिए चढ़ाई कीजिए, और उसके बाद आप जा सकते हैं रोहतांग भी, रोहतांग जा सकते हैं। रोहतांग आपका उस तरफ पड़ता है, उस तरफ अटल टनल से आते हैं उस रास्ते से होते हुए, तो इस तरह के यहाँ पे व्यू है। और ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ये बताने के लिए कि सिसु आजकल कैसा दिखाई दे रहा है। तो सिसु की अपडेट यहीं ख़त्म करता हूँ मैं इस छोटी सी वीडियो के साथ, और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए नीचे।